वीडियो ले रहे हो ऑडियो ये नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी, कहाँ से? मैं अपने रनसी गांव के पास ही गांव है। अच्छा, सिल्लारी। सिल्लारी, अच्छा, रनसी शो। रनसी शो। अब ये दोनों एक ही स्टेट फार्म के हैं कि? हाँ सर। अच्छा, क्या नाम है इसका? कोल्ट है क्या है? हाँ कोल्ट है सर। कितने महीने का है? क्या नाम है इसका? नाम इसका नाम है सर ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जी सर। अच्छा, स्टेट फार्म का नाम क्या है इनके? सर ये प्रताप स्टेट फार्म से है, उदयपुर। अच्छा, प्रताप स्टेट फार्म जी सर, उदयपुर जी सर। ओके, तो यहाँ पे ये रिंग शो के लिए? जी सर, दोनों रिंग शो के लिए। दोनों रिंग शो के लिए। ये दो दांत में? नहीं सर, ये मिल्क टीथ में है कोल्ड, और सर वो मिल्क टीथ फीली है सर। अच्छा, दोनों मिल्क टीथ में लगाओगे ये मतलब? अच्छा, कौन से घोड़े का है ये? सर ये कामदेव का है, जो दिनेश जी जैन के पास है। कामदेव स्टेलियन, बढ़िया घोड़ा है वो जी सर। अच्छा, उदयपुर से आए हैं मतलब ये? जी सर, जी सर। तो दोनों ये रिंग शो के लिए आई है मिल्क टीथ में? जी सर। ये तो फिली है जी सर, और ये कोल्ट है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर मूमल। मूमल जी सर। और ये कौन से घोड़े की है? सर ये ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर जी सर। और ये कितने मंथ की है अभी? थर्टी मंथ। अच्छा, मार्किंग इसके क्या? एक पैर सफेद है, माथे पे ब्लेज है। ग्रेट गैम्बलर। और मदर इसकी? मदर सर इसकी थी। अच्छा, तो रिंग शो के लिए जैसे रिंग शो में आई है, अभी क्या तैयारी करी की इसने की आपने, और कितने टाइम से चल रही है इसकी? सर वैसे तो तैयारी पूरे 12 महीने रहती है। अच्छा, जो शो होते हैं। अच्छा, 12 महीने से तैयारी रहती है जी सर। अच्छा, तैयारी में अगर देखें तो बेसिक तैयारी क्या क्या होती है, और क्या क्या इनकी डाइट होती है, क्या खान पान? बेसिकली तो 5 चीज तो होती है सर, इनको दूध जरूरी होता है। अच्छा, दूध चलता है, और उसके साथ साथ डाइट में सर जैसे चना हो गए, जो हो गए, उनके अंदर जैसे अपन सरसों का तेल डाल के दे रहे हैं जैसे सर्दी में, और उसमें शहद मिला देते हैं। अच्छा, शहद मिलाते हैं उसमें? जी सर, सरसों के तेल में जी सर, दूध के साथ शहद दे देते हैं। अच्छा, दूध के साथ जी सर। उससे क्या फायदा होता है? सर शहद से ये होता है, घोड़ों में एक तो शाइनिंग आ जाती है। अच्छा, और एक घोड़ा हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव रहता है शहद से जी सर। अच्छा, तो ये मतलब एक तरफ से देखा जाए तो बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ है सर, सेहत शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अच्छा अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ लक है भाई आपको जी सर। थैंक यू सर।